उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले हफ्ते 8 पुलिस कर्मियों को घेरकर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था, तभी वहां के गार्ड ने उसे पहचाना, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में आई और उसे वहीं धर लिया गया। कानपुर के चौबेपुर में घटना को अंजाम देकर फरार विकास पहले दिल्ली NCR पहुंचा, लेकिन पुलिस की जबरदस्त दबिश के बाद वह वहां से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में पहुंच गया, जहां उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को मंगलवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में देखा गया था, लेकिन जब पुलिस वहां छापा मारने पहुंची तो वह वहां से निकल चुका था। कुख्यात अपराधी को पकड़ने में लगी स्पेशल टास्क फोर्स ने कंफर्म किया है कि फरीदाबाद में जो शख्स CCTV में दिख रहा है वो विकास दुबे था। इसके बाद गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहां से गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश की तरफ भाग निकला। उज्जैन में गुरुवार को सुबह 8 बजे महाकाल मंदिर परिसर पहुंचा। वहां प्रसाद की एक दुकान पर एक दुकानदार को शक हुआ। उसने मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड को बताया। जब पूजा करके विकास बाहर निकला तो सिक्योरिटी वाले उसे लेकर आए, आईडी दिखाने को कहा तो फर्जी आईडी दिखाई जो किसी और नाम से बनी थी। जब सिक्योरिटी ने ज्यादा पूछताछ की तो वो मारपीट पर उतारू हो गया, जिसके बाद विकास दुबे को थाने ले जाया गया तो उसने कबूल कर लिया। प्रसाद के तो प्रसाद के लिए बैठा रहा, प्रसाद वितरण करना है तो वहाँ ये महाशय आए विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ, वो जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ तो मेरे इस पे रख दीजिए आपके रेट पे, तो ये वहाँ से बैग रख के चलेगा अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है ये तो वाच कर रहे थे, इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वाच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी, शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। गोपाल सिंह कुशवा। अभी ये जो मोस्ट वांटेड है विकास दुबे, ये पकड़ा गया है। तो वो मंदिर दर्शन करने आया था और मंदिर दर्शन करने के बाद वो गया है, तो वो मंदिर कैसे पहुंचा, किस रास्ते से मंदिर से गुजरा, तो उन्हीं रास्तों की जांच की जा रही है। इसके डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और एहतियातन भी उसके चेकिंग की जा रही है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। अभी कुछ नहीं, अभी जहाँ उसके सैंडल पड़ी हुई मिली थी, जो उसने जब वो रखी थी वो सैंडल मिली है, बाकी आपके सामने रूट का भ्रमण चल रहा है, देख रहे हैं और जांच की जाएगी, कुछ मिलेगा तो जब्त कर लेंगे। वो तो अभी वो उससे पूछताछ की जा रही है, वो जैसे स्पष्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं, वो हिरासत में नहीं लिया, वो जनरल पूछताछ के लिए लोगों को लाया गया है और वो जाँच का विषय है, जाँच के बाद आपको सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए, अभी फिलहाल उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी, मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया।
टाइम 24 न्यूज के लिए उज्जैन से चेतन चौधरी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।